स्वागत है आपका रेनबो स्वीट जंक्शन में। आज हम बना रहे हैं लहसुन मिर्च की ये गांव वाली चटनी। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी सी चटनी है। तो चलिए बनाते हैं इसे। पैन में लेंगे 2-3 चम्मच सरसों का तेल, डाल देंगे उसमें ये 1 चम्मच खड़ा धनिया और 1 चम्मच जीरा, और इन दोनों को हम थोड़ा सा सुनहरा होने तक भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, जिससे कि इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे। ये है तो चटनी, पर इसे आप लगातार 2-3 महीने तक रख करके अचार की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसे ऐसे ही रोटी, पूरी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, या चावल फ्राई करते समय, या और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो भून लिया हमने ये जीरा और धनिया। अब डाल देंगे हम इसमें ये सूखी लाल मिर्चें। मैं ऐसे ही साबुत मिर्चें डाल रही हूँ। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप मिर्चों को तोड़ करके उसका बीज हटा दीजिए, जिससे कि इसका तीखापन कम हो जाएगा। या फिर मोटी वाली लाल मिर्च आती है जो कि कम तीखी होती है, उससे आप इसे बना सकते हैं। मिर्चों को भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे थोड़ा सा, पर ये सारी भुनाई, सारी कुकिंग करनी है आपको एकदम धीमी आंच पर। थोड़ा सा भी अगर आँच तेज हुआ तो ये जल जाएंगे और चटनी अचार का ये फ्लेवर अच्छा नहीं होगा। तो भून लिया हमने मिर्च, जीरा और धनिया सभी चीज़ों को। अब डाल देते हैं हम इसमें ये छील करके रखा हुआ लहसुन। आप अपने अंदाज के अनुसार बना सकते हैं जितना भी आपको ये चटनी अचार बनाना हो। तो इसे लहसुन डालने के बाद हम ढक करके थोड़ा सा पकाएंगे मीडियम आंच पर, ताकि ये लहसुन थोड़ा सा सिक भी जाए और गलता भी जाए अच्छे से। तो जब इसे भी 1 मिनट के लिए हम भून लेते हैं अच्छे से सभी चीज़ों को एक साथ में ही, उसके बाद हम कर देंगे गैस को बंद। और उसके बाद हमें इसमें मिक्स करनी कुछ और चीज़ें। लहसुन हल्का सा गोल्डन हो जाना चाहिए, इतना हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, जलने से इसका फ्लेवर बिल्कुल चला जाएगा। तो डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा हींग, डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। वैसे ये चटनी अचार है तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। और हींग डाल दिया, नमक डाल दिया। अब डाल देंगे इसमें हम कुछ आमचूर का पाउडर, या फिर आमचूर ना हो तो डाल सकते हैं इसमें चाट मसाला, दोनों में से कोई भी चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। और डाल देंगे ये सभी चीज़ों को, कर लेंगे अच्छे से इसे मिक्स, और इसे करेंगे हम थोड़ा सा ठंडा। और ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर जार में पीस लेंगे। तो ये सभी चीज़ें हमें मिक्स करनी है गैस बंद करने के बाद ही, नमक, आमचूर या चाट मसाला और हींग। और ले लिया सभी चीज़ों को हमने जार में अच्छे से, और इसे पीसने के लिए हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 नींबू का रस, 1 पूरा नींबू हम इसमें डाल देंगे इतने लहसुन मिर्च के लिए। और नींबू डालने के बाद ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच के करीब विनेगर भी। नींबू की खटास थोड़ी सी अलग होती है और विनेगर की खटास थोड़ी अलग होती है, उसमें हल्का सा मीठापन भी होता है। विनेगर इस चटनी के फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देता है और इसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखता है, जिससे कि ये 2-3 महीने तक भी आपके बिना फ्रिज में रखे ही आराम से चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। ज़रूर एक बार बना करके देखिए। तो पीस लिया हमने इसे नींबू के रस और विनेगर के साथ ही, और रेडी हो जाती है ये बहुत ही चटपटी सी चटनी अचार। इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, तभी आपको इसके स्वाद का पता चलेगा। तो ज़रूर बनाइए ये चटपटी सी चटनी। और रेसिपी लगे अच्छी तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब रोज़ एक नई नई रेसिपी के लिए। तो निकाल लेते हैं हम इसे एक कटोरी में, और इसे अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो आप रखिए इसे कांच के बर्तन में, कांच के किसी जार में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।